माननीय वेंकैया जी, माननीय रामलाल जी, कार्यालय प्रभारी और महासचिव श्रीमान अरुण सिंह जी, मीडिया के संयोजक श्री श्रीकांत शर्मा और देश भर से पधारे हुए मीडिया टीम के का काम देखने वाले कार्यकर्ता और राष्ट्रीय पदाधिकारी में से जिन पर संगठन का दायित्व है ऐसे कार्यकर्ता मित्रों, पूरा देश आज किसी न किसी रूप में यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो सबसे पहले देश भर के करोड़ों कार्यकर्ताओं को ये 5 राज्यों के चुनाव में जो एक अप्रत्याशित सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली है, इसके लिए मैं आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ। क्योंकि आप सब लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपके ध्यान में रहना चाहिए कि ये 5 भाई दरवाजा अंदर से बंद कर दो और एक एक व्यक्ति बाहर खड़े रह जाओ, एक व्यक्ति बाहर खड़े रह जाओ ना, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, पीछे से भेजो सबको। आपके ध्यान में रहना चाहिए कि ये 5 राज्य ऐसे राज्य थे जहां पर हमारी विचारधारा की स्वीकृति कमोबेश बाकी ही थी, संगठन का विस्तार भी होना बाकी था, मगर जब से सरकार बनी तब से आज तक हमारे उस प्रांत के कार्यकर्ताओं ने और यहां से जिनको इन प्रांत की जिम्मेदारी सौंपी थी उन संगठन के जिम्मेदारी वाले कार्यकर्ताओं ने एक अहर्निश अंथक प्रयत्न किया और इसी का परिणाम है कि सभी राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी अपनी नींव डालने में और पूर्वोत्तर में 2/3 बहुमत से हम सरकार बनाने में आसाम में सफल हुए। ये चुनाव नतीजों का विश्लेषण करें तो क्योंकि आसाम सरहदी प्रांत है, बहुत सारी समस्याओं से राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी जुड़ा हुआ प्रदेश है और हमारी विचारधारा के लिए भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं, तो चुनाव को की जीत को कोई कम नहीं मान सकता। मगर मैं एक राजकीय विश्लेषक के नाते केरल और बंगाल में जो हमने उपलब्धियां पाई है इसको भी जरा भी कम आंकने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि 15% और 10% वोट का मतलब होता है अगली बार भाजपा सरकार, और ये नींव हमने डाली है। भारतीय जनता पार्टी ने जब राष्ट्रीय परिषद आयोजित की, उस परिषद में एक बात भाजपा की राष्ट्रीय टीम ने तय की थी और मेरे माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं के सामने रखवाई थी कि जो 7 राज्य हैं, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र, ओडिशा, बंगाल और आसाम, ये 7 राज्य आने वाली भारतीय जनता पार्टी की 2019 की सरकार का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग बनेंगे और हम उस दिशा में आगे बढ़े हैं। और संयोग की बात है कि उसी वक्त करीब करीब एक आध सप्ताह के अंतराल में हमारी सरकार को 2 साल समाप्त होने जा रहे हैं। एक लंबे अरसे के दशकों के संघर्ष के बाद बहुत सारे कार्यकर्ता के पूरे जीवन के तप, तपस्या, त्याग, बलिदान के बाद और पीढ़ियों ने अपने जीवन खपाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार देश में बनी और प्रधानमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी का ही एक छोटा सा कार्यकर्ता से लेकर आज प्रधानमंत्री तक का सफर तय करने वाले नरेंद्र भाई देश के प्रथम पूर्ण बहुमत वाले प्रधानमंत्री बने। वो सरकार ने अपने 2 साल इस 26 मई को समाप्त करने हैं और आज जो हम सब ये कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में एकत्रित हुए हैं, इसका पर्पस, इसका लक्ष्य ये ही है कि 2 साल में हमने जो किया है वो लोगों तक ले जाना और ये 2 साल में जिनके लिए किया है उनके पास इस बात को पहुंचाना।
मित्रों, सरकार जो चलती है वो कई बार सरकार डे टू डे की जो समस्याएं आती है उसको सॉल्व करने में ही उलझ जाती है। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसी बहुत सारी सरकारें हैं जो डे टू डे काम में ही उलझ गई। वो सरकारें कभी एक 20 साल का, 25 साल का, 10 साल का लक्ष्यांक तय कर देश को किस तरह से आगे ले जाना है, देश की समस्याओं का किस तरह से निराकरण करना है, देश को समस्याओं से मुक्त किस तरह से बनाना है और देश का सम्मान पूरी दुनिया में किस तरह से बढ़ाना है, वो एजेंडा कभी सेट नहीं कर पाई। मुझे कहते हुए बहुत हर्ष है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डे टू डे में जो समस्याएं आती है उसका तो निराकरण किया ही है, उसकी समस्याओं को के सामने लड़ने का काम किया ही है, मगर साथ ही साथ एक लंबे समय का लक्ष्य तय कर देश को समृद्ध देश, सुरक्षित देश और सुविकसित देश बनाने के लिए एक बहुत अच्छे तरीके से लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने का काम किया है। और अब जब 2 साल समाप्त होने को आए हैं तब हमें दिखाई पड़ता है कि उसके नतीजे हमें मिलने लगे हैं। 2 साल के अंदर जब हमने सरकार का कामकाज हाथ में लिया उस वक्त पूरी दुनिया में कोई स्वीकारने के लिए तैयार नहीं था कि भारत 21वीं शताब्दी भारत की शताब्दी थी, वो उक्ति भूतकाल बन गई थी। आज 2 साल के बाद सब लोग ऐसा कह रहे हैं कि भारत का भविष्य उज्जवल है और 21वीं शताब्दी भारत की शताब्दी हो सकती है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन 2 साल में करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 2 साल के अंदर अर्थतंत्र के सारे आंकड़ों को सुधारने का काम, उसमें बहुत सारा मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, उसको एक अच्छे तरीके से अर्थतंत्र की गाड़ी को पटरी पे चढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे विकास दर हो, चाहे विदेशी मुद्रा का भंडार हो, चाहे सारी डेफिसिटों को कंट्रोल में रखने की बात हो, हर पैरामीटर्स में अर्थतंत्र को सुधारने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सफल हुई है। और सबसे बड़ी बात ये हुई है कि हम जो बात को लेकर आए थे उस बात को चरितार्थ करने में हमने लोगों को ये दिखाने में सफल हुए कि हाँ, हमने कर बताया है। हमने कहा था कि हम पारदर्शी शासन देंगे। 2 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप कोई विरोधी भी नहीं लगा पाया। मैं मानता हूं मित्रों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि। एक भी कोई घोटाला बाहर नहीं आया, कोई भ्रष्टाचार का आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर नहीं लगा। हमने कहा था हम पारदर्शी सरकार देंगे, हमने दी थी। हमने कहा था कि हम अंतिम व्यक्ति की चिंता करेंगे, अंतिम व्यक्ति को विकास की दौड़ में सबसे अग्रिम पंक्ति में लाने का प्रयास करेंगे, उसके लिए भी काफी किया है। और हमने कहा था कि हम रिफॉर्म्स के साथ आगे बढ़ेंगे, गांव और शहरों का संतुलन बनाए रखेंगे और गांव के विकास, शहर के विकास के साथ साथ गांव का विकास भी करेंगे, इस प्रकार के रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, उसको भी हमने किया है। मैं कोई बहुत ज्यादा लंबी बात करना नहीं चाहता मित्रों, मगर एक ही स्कीम का आपको उदाहरण देना चाहता हूं जो इस सरकार की दूरदृष्टि से काम करने की जो पद्धति है उसको समझाती है। नरेंद्र मोदी सरकार बनने के पहले, भाजपा की सरकार बनने के पहले पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय जो था वो देश के गिने चुने 4-5 लोगों के लिए महत्वपूर्ण मंत्रालय था, कुछ कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण मंत्रालय था। और आज पेट्रोलियम मंत्रालय के काम को मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, उसके बाद में मालूम पड़ेगा कि वो ही मंत्रालय आज जन कल्याण मंत्रालय के अंदर तब्दील हो गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अंदर सबसे पहले जनधन योजना के माध्यम से देश भर में खाते खुलने के बाद तुरंत ही पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक पहल योजना शुरू की जिसका मोदी जी ने शुरुआत की थी। पहल योजना के तहत गैस की जो सब्सिडी जाती थी वो सब्सिडी को चेक से देने का काम पहल योजना के अंदर हुआ और आज लगभग मोर देन 95% 95% से ज्यादा लोगों को सब्सिडी चेक से माध्यम से बैंक में सीधी जमा होती है, उनके खाते में जाती है।
तो ये काम हमने कर दिया। ये रिफॉर्म्स के दृष्टि से देखने वाला एक वर्ग भी है, मगर मैं अलग दृष्टि से देखता हूं। इसके एक योजना आते ही 14,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है। गैस की सब्सिडी में 14,000 करोड़ रुपया की बचत हुई है और करोड़ों फर्जी कनेक्शन जो थे वो निरस्त हो गए। मित्रों, कितने सालों से गैस सब्सिडी 14,000 करोड़ रुपए की कालाबाजारियों के हाथ में जाती थी, उसको हमने समाप्त कर दिया। दूसरा है, उसका काम किया नरेंद्र भाई ने एक अपील की, जो संपन्न है वो गरीब के लिए छोड़े, और वो अपील है गिव इट अप की अपील, कि जो संपन्न है वो सभी लोग देश के अपनी गैस की सब्सिडी छोड़े, क्योंकि गरीब को गैस की जरूरत है, सब्सिडाइज गैस की जरूरत है। लाल बहादुर शास्त्री के बाद पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह की मॉरल अपील करने का साहस किया, और मुझे कहने में बहुत आनंद हो रहा है, हृदय से आनंद हो रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री जितना ही प्रतिसाद हमारे प्रधानमंत्री की मॉरल अपील को मिला है, और देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ दी है। 1 करोड़ लोगों ने अपनी सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ी। 14,000 करोड़ रुपया चोरी कम की, 1 करोड़ लोगों की सब्सिडी हमने मॉरल अपील से बचाई, और अब तीसरी योजना लेकर आए हैं जो उज्ज्वला योजना है, जिसके माध्यम से 2019 तक 5 करोड़ परिवार को हम गैस का सिलेंडर उसके किचन के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम करेंगे। मित्रों, 5 करोड़ महिलाओं के चूल्हे से धुआं गायब करना, इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। और जब कोई पूछे आपको कि अच्छे दिन आए हैं, तो कहना वो 5 करोड़ लोगों के लिए तो अच्छे दिन जरूर आ गए हैं जिनके घर में गैस पहुंचने वाला है। आप कल्पना करिए मित्रों, करप्शन को कम करना, मॉरल ग्राउंड पर सब्सिडी छुड़वाना, और वो दोनों का योग मिलाकर बजट का रुपया भी इसके अंदर ऐड कर 5 करोड़ लोगों को गैस की सिलेंडर इनके घर के अंदर पहुंचाना। मैं एक योजना की बात इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसी तरह से काम करना चाहिए। हमने कोई पॉपुलिस्ट स्टेप्स लेकर आगे बढ़ना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम नहीं है। हमसे अपेक्षा है देश के लोगों की एक लॉन्ग टर्म विजन की, इस देश के अंदर अच्छे पैरामीटर सेट करने की, जनता के अंदर लोगों के लिए सद्भावना खड़ी करने की। जो गैस की सब्सिडी छोड़ता है उसके मन में है इतना भरोसा है कि मैं गैस की सब्सिडी छोड़ूंगा तो ये सब्सिडी मोदी जी की सरकार के माध्यम से गरीब के घर पर जाएगी, ये भरोसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अर्जित किया है। मित्रों, हमने बेरोजगारी के लिए सालों से चर्चा होती थी, बेरोजगारी दूर करने का मतलब नौकरियों के साथ जोड़ दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मानती है कि 125 करोड़ के देश के पर नौकरी से बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है। कोई भी सरकार नौकरी से 125 करोड़ लोगों को नौकरी नहीं दे सकती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक मुद्रा बैंक योजना नाम की एक योजना शुरू की, जिसके अंदर कोई कोलेटरल के बगैर, कोई गारंटर के बगैर 10,000 से लेकर 10 लाख, जिसमें ठेले वाला भी आ जाता है, छोटा सा दवाई का दवाखाना खोलने वाला डॉक्टर भी आ जाता है, ब्यूटी पार्लर करने वाली महिला भी आ जाती है, और कॉल सेंटर जैसा छोटा सा एक अपना काम करने वाला एक पढ़ा लिखा युवा भी कंप्यूटर लेकर गांव में अपना काम कर सकता है। और ऐसे 1,00,000 करोड़ रुपए का ऋण उनको देने का काम किया, और इस बार 1,80,000 करोड़ का लक्ष्यांक दिया है, और 5 करोड़ युवाओं को रोजगारी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अब अगर हम पॉलिटिकल कार्यकर्ता की दृष्टि से सोचते हैं तो हमें पूर्ण बहुमत मिलते वक्त कितने वोट मिले? 13 करोड़ वोट मिले। उज्ज्वला योजना से 5 करोड़ लोगों के घर में, मतलब 13 करोड़ लोगों के घर में, मिनिमम 13 करोड़ लोगों के घर में हमने गैस पहुंचाया है, और मुद्रा बैंक के माध्यम से 5 करोड़ मतलब 13 करोड़ लोगों को रोजगारी देने का काम किया है। अब आप मुझे बताइए, इसको एनकैश करने की जिम्मेदारी किसकी है? इसको एनकैश करने की, मैं तो दो ही योजना बता रहा हूं, दो ही योजना, इसको एनकैश करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के इस सभागार में बैठे हुए कार्यकर्ताओं की। और मीडिया के मित्रों से मेरा आग्रह है कि कोई भी जरा भी नीचे टोन में बात न करे,
इस सरकार ने कुछ ऐसा नहीं किया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सर नीचा हो। सीना तान कर मीडिया के सभी सवालों का जवाब मीडिया के लोगों ने देना, सीना तान कर देना चाहिए। इस सरकार ने दो साल के अंदर जो किया है वो कोई नहीं कर सकता, मैं मानता हूं। मैं बहुत कम आयु से मित्रों सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन और चुनावी राजनीति के गणित का आंकड़ों का अभ्यासु हूं। मैंने बहुत सरकारों में जो काम हुआ है उसको कटु आलोचना करते हुए आंकड़ों को देखा है और अपनी सरकार के आंकड़ों को भी कटु आलोचना करते हुए मैं हर रोज देखता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए नहीं कि मैं अध्यक्ष हूं, बहुत अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। बहुत सारी चीजें हैं, आपको आज बहुत विपुल मात्रा में सॉफ्ट और प्रिंट दोनों साहित्य देने वाले हैं, विपुल मात्रा में साहित्य कार्यकर्ताओं तक भी पहुंचाने वाले हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से ही पहुंचेगा। मगर हमारा काम है कि 26 तारीख को हम जनता के सामने, 26 से 15 जून का जो एक पूरा कार्यक्रम बना है, जनता के सामने आत्मविश्वास से लवरेज होकर ये बातों को लेकर जाए और कहे कि हमारे पास अभी 3 साल और बाकी है, ये हमने 2 साल में किया है, 2019 तक सारे वादों को समाप्त कर हम आपके सामने आएंगे। ये मूड के साथ जाना है और इसके लिए पार्टी ने कार्यक्रम की भी बनाया है, 200 सेंटरों को छांटा है, जहां पर कार्यक्रम होंगे वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, 200 सेंटर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। इसकी यहां बैठे हुए सारे प्रभारी और सारे मीडिया के लोगों ने तैयारी करनी है, वहां पर आम सभाएं होंगी, जनसंपर्क के कार्यक्रम होंगे, इंटेलेक्चुअल्स के साथ इंटरेक्शन होगा, युवाओं के साथ इंटरेक्शन होगा, एमपी एमएलए गांव में जाएंगे, रात्रि निवास करेंगे, किसानों के साथ बात करेंगे, सारे हमारे कार्यक्रमों को नीचे तक पहुंचाने का ये सबसे बड़ा प्रयास है। और मित्रों उसको सिर्फ प्रचार का एक माध्यम मत मानिए, ये 2 साल की सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने परंपरा डालनी चाहिए कि जनता हमारी मालिक है, वो हमें मैंडेट देती है, हम सत्ता में आते हैं तो जनता को हिसाब देने का दायित्व तो सामाजिक कार्यकर्ता का है और हम हिसाब देने जा रहे हैं, इतनी नम्रता के साथ लोगों के बीच में जाए, ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने डालने जैसी है। कार्यकर्ता नाते भी हमने सोचना चाहिए कि 30 साल के बाद इस देश की जनता ने किसी एक पार्टी को और किसी एक व्यक्ति को पूर्ण बहुमत दिया है, एक पूरा मैंडेट दिया है। हमारा दायित्व है पार्टी के कार्यकर्ता के नाते कि वो मैंडेट का सम्मान करते हुए हर 26 मई को उनके साथ जाए और उनको बताए कि भाई आपने हमें दायित्व दिया था, हमने ये किया है। इस भाव से जाना चाहिए, भाव हमने सब किया है, अच्छा किया है, अहंकार वाला भाव नहीं होना चाहिए। उनको हिसाब देने का विनम्रता के भाव के साथ उनके सामने जाना चाहिए और मीडिया में भी जब हम जाए तब हिसाब देने का भाव हमारे जहन के अंदर, हमारे दिलो दिमाग के अंदर होना चाहिए कि हम जनता को हिसाब देना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं का मैंने अब तो संदेश देने का मेरा मौका आ गया है तो कई को संदेश भी लिख देता हूं। पहले मैं छपवाता था कि 1 साल में एमएलए के नाते क्या किया, हमारे कई लोग हिसाब देते हैं, मगर ये पार्टी के माध्यम से पूरी पार्टी देश भर में हिसाब देने के मूड से अंदर जाए। मित्रों बहुत सारा काम हुआ है, गांव गरीब किसान शहर बेरोजगार मजदूर किसी भी क्षेत्र को हमने नहीं छोड़ा है, विज्ञान के अंदर प्रगति की है, विदेश के अंदर हमने मोदी जी ने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाकर वो वापिस आते हैं, हर बार जाते हैं तब देश की रक्षा के लिए, सेनाओं को सुसज्ज करने के लिए एक सटीक रक्षा नीति, पहले रक्षा नीति शब्द ही नहीं था, एक सटीक रक्षा नीति नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। विदेश नीति और रक्षा नीति को अलग करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और ये बहुत अच्छी उपलब्धियों से भरे 2 साल और जनता ने ये 2 साल के एंड मौके पर हमें इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है। दोनों चीजों को लेकर लोगों के सामने जाना है। मैं आशा करता हूं मित्रों और अपेक्षा भी करता हूं कि हम सब अपने दायित्व में ठीक से खड़े उतरे, मीडिया के लोगों के साथ मुख्य जो आर्टिकल्स लिखने वाले कटार लेखक हैं उनके साथ हमारे लोगों के भोजन हो, उनको कन्विंस करें, प्रेस वार्ताएं हो, उसके पहले 1-to-1 मीटिंग हो, इस तरह से डिटेल और सोशल मीडिया का भी प्रचुर मात्रा में उपयोग हो, पूरे की पूरी चीजें युवाओं के मोबाइल पर हम डाल दें। नरेंद्र मोदी ऐप का एक नया स्वरूप भी कुछ दिनों में लॉन्च होगा, उसको भी लोगों तक पहुँचा दे। ये सारे माध्यमों का उपयोग कर हम ये 2 साल की उपलब्धियों को लोगों के
पास पहुंचाए और फिर से उनका भरोसा जो आज तक दो साल के बाद भी जस का तस बना हुआ है उसमें बढ़ोतरी करने का काम हम करें। आने वाले साल में फिर से 2017 के साल में हमें चार राज्यों में जनादेश के लिए जाना है। मैं मानता हूं कि आसाम का विजय और 26 तारीख के यह कार्यक्रम, ये दोनों मिलकर अगले चुनाव की भूमिका हम अभी से बना दे और अगले चुनाव में हम विजयी होकर फिर से एक बार 2019 की तैयारी में लग जाए, ये हम सबका दायित्व है। मित्रों, बहुत बहुत आशा और अपेक्षा के साथ पार्टी ने आज ये वर्कशॉप का आयोजन किया है। आप सभी लोग पूरे दिन रहेंगे, सारी चीजों को सुनेंगे, देखेंगे, लिखेंगे और साथ में जो छपा हुआ और सॉफ्ट कॉपी दोनों मिलती है उसका एक बात ये सभागार में बैठे हुए लोग जो स्टडी कर लेंगे तो मुझे लगता है कि ये 200-300 लोग ही 100 करोड़ लोगों तक पहुंचाने में सक्षम है। आपकी क्षमताओं पर और आपकी निष्ठा पर पार्टी को पूरा भरोसा है। मगर ये 15 दिन मान लीजिएगा कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, इतने एग्रेशन के साथ, इतने जुनून के साथ हमने लोगों के बीच में जाना चाहिए। यही आप लोगों से अभ्यर्थना है। वंदे मातरम।